2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में भाजपा ने मानो भूचाल ला दिया है। भाजपा ने विपक्ष में अपने एक कदम से खलबली मचा दी है। बीजेपी क्रिकेट की तरह सियासत के मैदान में बैक टू बैक विपक्षी नेताओं के विकेट गिराते जा रही है। उसने एक साथ सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दे दिया। अपने कुनबे को मजबूत कर रही बीजेपी ने विपक्ष के तकरीबन 15 से ज्यादा बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर सबसे बड़ी सेंधमारी की है। एक साथ 15 से ज्यादा दिग्गजों पर बीजेपी की स्ट्राइक ने सियासी तपिश और बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूर्व मंत्रियों समेत कई नामी चेहरे भी शामिल हैं। इनकी ज्वाइनिंग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कराई। इस दौरान सभी नेताओं का हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत भी किया गया। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुआ। सबके समर्थन में जो भारी संख्या में लोग भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं, मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो आशा है और विश्वास है 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सांसद जिताने का, उसको आप सबके सहयोग से उसको जीतने में सफल होंगे। और देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तीसरी बार सरकार बनाने का स्वप्न साकार होगा। देखता हूँ कि जब 10 दिन वहां भीतर जाए कमल का फूलवा खिलत जाए। जैसे जैसे भीतर जाएगा कमल की बहार और तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। और जीत का अंतर यह होगा कि विपक्षी सोचे कि जमानत कैसे बचाए। बीजेपी में शामिल होने वाले 15 से ज्यादा नेताओं में सबसे बड़ा नाम है साहब सिंह, राजपाल सैनी, जगदीश सोनकर, अंशुल वर्मा, सुषमा पटेल, गुलाब सरोज, शालिनी यादव, राजीव बख्शी, गंगाधर कुशवाहा, रवि भारद्वाज, जितेंद्र मिश्रा, सत्यपाल यादव, सुनीता यादव, शालिनी यादव, पीयूष यादव, दिलीप सिंह, पुष्पेंद्र पासी और शिवानी सैनी। इससे पहले भी सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर एनडीए और दारा सिंह चौहान भी एसपी छोड़कर भाजपा में घर वापसी कर चुके हैं। सपा को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, लिखा, कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह। अखिलेश का ये ट्वीट इशारा है कि शायद सपा में भी जल्द दूसरे नेता आने वाले हैं। लेकिन 2024 के लिए भाजपा की तैयारी सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने की नहीं है, बल्कि विपक्ष की काट करने और उसकी धार कमजोर करने को लेकर भी चल रही है। भाजपा का फोकस न सिर्फ सभी वर्गों पर है, बल्कि दूसरे दलों के नेताओं पर भी वो नजर गड़ाए बैठी है। भाजपा हर वो जुगत लगा रही है जिससे आगामी चुनाव में फिर से अपना झंडा गाड़ सके। इसलिए भाजपा ने 2024 की जीत के लिए यूपी में मिशन डिमोलिशन को और तेज कर दिया है। यूपी की 80 सीटें जीतने के इस मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए ऑपरेशन मिशन डिमोलिशन बीजेपी के लिए महज शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्षी दलों के कुछ और बड़े नेता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।